आपका स्वागत है। मैं महक मुदस्सिर आपके साथ। मैसूर मस्जिद एसोसिएशन चैरिटेबल ट्रस्ट के नेतृत्व में चल रही एमएमए अस्पताल के जिम्मेदारों ने आज कोरोना की दूसरी लहर के कोविड योद्धा डॉक्टरों के साथ मैसूरु के प्रसिद्ध रघुलाल एंड कंपनी के मालिक एन राघवन को भी सम्मानित किया। आइए देखते हैं केवी न्यूज की ये रिपोर्ट। अल्हम्दुलिल्लाह, आज हमें डॉक्टर्स में जो काम किए हैं कोविड के सिचुएशन में, डेंजरस सिचुएशन में काम किए, ऐसे कोविड वॉरियर्स यानी हीरोज़ को हमें जमा करके सिटी के एतबार से, स्पेशली हमारी कम्युनिटी के डॉक्टर्स को हमें तहनियत पेश करना था और उनको जो है हिम्मत अफजाई करना था। इस काम के लिए हमारी एमएमए हॉस्पिटल की ट्रस्ट की वजह से ये बेड़ा उठाया और उनको, हालांकि उनकी ये जो हमारी तहनीती इजलास है ये बड़ा मुख्तसर हो गया है। हमारे शहर के एतबार से बड़ी तंजीमों से हमें दरख्वास्त करते हैं और हमें यहाँ मैसूर की कम्युनिटी से और स्पेशली हमारी कम्युनिटी से दरख्वास्त करते हैं कि जितने लोग डॉक्टर हजरात कोविड में काम किए हैं उनको बुलाएं और उनकी हिम्मत अफजाई करें, उनकी इज्जत अफजाई करें, ये उनका हक है, हमें देना है। हालांकि ऐसा नहीं कि नर्स भी किए हैं, वॉरियर्स भी किए हैं, लेकिन सबसे बड़ा जो है हकदार इस वार फील्ड में, कोविड वार फील्ड में, ये डॉक्टर्स हजरात हैं। इनका जो हमें तहनीती इजलास का एक इरादा किए थे वो आज किए हैं। अल्लाह ताला उनकी उम्र में कितने डॉक्टरों को फेलिसिटेट करें सर? हमें तकरीबन 28 डॉक्टर्स का हमारा लिस्ट में था, उसमें अब जो है हमें 18 डॉक्टर्स को किए हैं। सर कितने पेशेंट्स को अब तक सेकेंड दूसरी लहर में कितने दूसरी लहर में जो है 242 मरीजों का इलाज किए हैं और उसका एवरेज जो है खर्चा एक पेशेंट के लिए 18,000 से 20,000 रुपये एवरेज खर्चा आया है। तो सर किसी की डेथ नहीं है, मॉर्टलिटी एक भी नहीं हुआ है, कुछ भी नहीं? जी जी, तो सब यहाँ से जो है शिफा शिफायाब होकर गए और क्रिटिकल पेशेंट जो उस वक्त जो है कहीं भी बेड नहीं होने की वजह से बहुत दरख्वास्त करते लोग आकर कि हमें एक दिन रख लीजिए, दो दिन रख लीजिए, अब बेड मिल जाएगा, तो ऐसी सूरत में एक या दो रखे हैं और दूसरा यहाँ एडमिशन होने के बाद क्रिटिकल हुए हैं उनको हम शिफ्ट किए हैं, उनके रिश्तेदारों को कहे हैं कि जल्द से जल्द शिफ्ट करो। और उनको भी जब एडमिशन लिए तब बोल कर लिए थे कि क्रिटिकल का इंतज़ाम ICU नहीं है, तो वो मान लेकर दाखिला लिए थे। तो ऐसे सूरत में बहुत सारे पेशेंट्स को शिफ्ट किए हैं। तीसरी लहर अगर आई तो इसके लिए तैयारी की है? इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे और इससे भी बढ़कर करने का इरादा है। केवी न्यूज़ को बात करने के लिए आपका धन्यवाद सर। हमारे डॉक्टर्स और एमएमए हॉस्पिटल के जिम्मेदारों का और हमारे मसाजिद एसोसिएशन वाले का मैं दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। मैसूर में इस तरीके की एक पहली हॉस्पिटल जो कायम की गई है यहाँ पे राजीव नगर में, इसके बारे में आपका क्या ओपिनियन है सर? बेशक आप जो कहे ये पहली हॉस्पिटल है और इसकी सर्विस तो माशाल्लाह, उसके खासकर ये पैंडमिक में तो बहुत अच्छी सर्विस की पब्लिक को जी। नहीं तो बिफोर पैंडमिक ये हॉस्पिटल शुरू होकर है यहाँ भी एक बहुत से एक मुनासिब दाम में पेशेंट्स को इररिस्पेक्टिव ऑफ कास्ट एंड क्रीड, वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। मैं क्या भी मुस्लिम्स करको नहीं, क्रिश्चियंस होंगे, हिंदू होंगे, एनी पेशेंट इज अ पेशेंट जी, इररिस्पेक्टिव ऑफ द कास्ट एंड क्रीड वी आर ट्रीटिंग। एंड इंशाल्लाह ये सर्विस जो है बहुत दूर तक हमारे पेशेंट्स को पहुँचेगी, मुस्लिम हो, हिंदू हो या क्रिश्चियन हो, कौन सी भी जात से ताल्लुक रखता हो। और ख़ासकर पैंडमिक में ये बहुत सा काम यहाँ इस हॉस्पिटल से हुआ। मुझे मालूम हुआ कि 250 पेशेंट्स तक एडमिट हुए, 240 पर 550,
और वो पेशेंट जो है माशाल्लाह पूरा रिकवर होके गए, वो बहुत इम्पॉर्टेंट। मुझे इन्फॉर्मेशन के मुताबिक डेथ तो यहाँ ये पैंडमिक में हमारे ये एमएमए हॉस्पिटल में एक भी होकर नहीं, तो ये डेडिकेशन ऑफ द होल टीम वो बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि हमें मालूम है पैंडमिक में बहुत से अपराध इलाज हो गए, हमारे रिश्तेदार होंगे, आपके रिश्तेदार होंगे, अच्छे अच्छे चले गए, शायद वो देरी आने की वजह से क्या है वो तो मालूम नहीं होता, फिर भी इस हॉस्पिटल में सर्विस देकर हमारे जो हीरोज हैं इसके पैंडमिक के जो यानी कोविड के, उनको हमें मुबारकबाद देना, वो अच्छा काम किए हैं और इंशाल्लाह इससे और भी पैंडमिक ख़त्म होने के बाद भी सर्विस हमारी हॉस्पिटल से पब्लिक को मिलेगी और इंशाल्लाह ये जो थर्ड वेव है उसे हमें ऑलरेडी रेडी होकर है हॉस्पिटल, उसके बारे में भी क्या भी परेशानी की बात नहीं है। सर पब्लिक को जो है एक आपके तरफ से मैसेज, जो थर्ड वेव के बारे में पब्लिक किस तरीके से अपनी ज़िंदगी गुजारना है? नहीं ऐसा तो हमने मालूम फर्स्ट वेव ख़त्म हुआ, सेकंड वेव तो बहुत ही खतरनाक गुजरा, पब्लिक को बहुत से अपराध हिलाक हो गए, अब रहा थर्ड वेव जो आने वाला है, रिपोर्ट्स के मुताबिक अगस्त में आता है करके बोलते हैं, जुलाई लास्ट वीक में शुरू होता है करके भी है ना, अगस्त में ज़रूर आएगा करके। इससे मेन क्या है, सोशल डिस्टेंसिंग और यूज़ ऑफ मास्क वो हमारे में बहुत कम हो जा रहा है, ये गैदरिंग्स जो है में हमें जो शादी हो या हमारे मसाजिद हो काम हो वहाँ हमें केयरफुल रहना, सोशल डिस्टेंसिंग और यूज़ ऑफ मास्क बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट, जब तक ये नहीं रहता थर्ड वेव भी इसी तरह हमें परेशान करता है, तो सोशल डिस्टेंसिंग यूज़ ऑफ सैनिटाइजर्स एंड मास्क इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट, इससे जो है बहुत से जो इफेक्ट है उसे कम हो सकता है। केवी न्यूज़ को बात करने के लिए आपका धन्यवाद सर। आई एम राघवन फ्रॉम रघुलाल एंड कंपनी मैसूर। द एक्सपीरियंस वॉज वेरी बैड, एक्सट्रीमली बैड, इवन दो वी वेर परमिटेड टू ओपन 24/7, पीपल वेर नॉट कमिंग, दे वेर नॉट अलाउड टू कम, एंड वेन दे वेर कमिंग ऑल्सो दे डिड नॉट हैव द मनी टू बई, एंड दे वेर प्रिस्क्राइब्ड 30 टैबलेट्स, दे यूज टू बई ओनली 10 टैबलेट्स बिकॉज they did not have the money. So I always say everybody should be happy, everybody should be healthy, the economy should run, otherwise it is very difficult for anybody. Even it cannot be one isolated sector, like let us say doctors or only medical stores. Everybody has to work, so everybody can earn, and when they earn and they have some money in the hand, the dunya will be running around, it will be going around smoothly. So we wish everybody to be healthy and happy. 2 months has been very bad. We have registered a 63% decline in sales also, and pay salary also was very difficult for me. Usually by 5th of every month I used to pay. This time I have dragged till 14th. What to do? What do you say about the third wave, sir? Third wave, I am slightly skeptical. I do not want to have the third wave, personally speaking. And technically also, see what has happened, inoculation program is going on well everywhere in the country. Every state is bringing out lot and lot of vaccination program. So because of that, the herd immunity will also increase. And I don't believe there could be a third wave. And even the first and second wave, they are telling children in the third wave. I don't think the children will be that much affected, because naturally, somehow it is as if nature itself is giving them protection. We are not seeing much death of children in the first and second wave. Sir, what is your opinion about these hospitals? Hospital, first time I came, I was very much impressed, and Kalimji and other partners here, they were doing lot of good work. So I also thought, let me also do my little bit to this wonderful place. And in the last 6 months, it has grown very nicely and in a very big manner. Many doctors, specialists are also coming. The only problem is, in future what I see is, they could run out of space, because more and more patients will come, because it's a very popular place. Thank you, sir. Thank you. क्योंकि आप देखेंगे कि यहाँ इस मैनेजमेंट को मदद करने वालों में दूसरी कम्युनिटी के लोग भी बहुत दिल खोल के आगे बढ़े हैं, जैसा कि अभी आपने जो इंटरव्यू किया हमारे राघवन साहब से, 50 लाख के करीब इनकी तरफ से मदद मिली है दवाइयों की,
ये कोई मामूली चीज़ नहीं है, और खुसूसन एक नई अस्पताल के लिए। और यहाँ डॉक्टर्स भी जो हैं कम्युनिटी के, हर कम्युनिटी के डॉक्टर्स की तरफ से यहाँ पे तावन मिल रहा है, और बहुत अच्छी तरह अस्पताल चल रही है। हमारी ख्वाहिश है कि अस्पताल और तरक्की करे और हम सब इसकी कामयाबी में साथ रहें। थैंक यू सर। आई फील ऑनर्ड इन ऑनरिंग राघवन एंड ही इज़ अ वेरी क्लोज फ्रेंड ऑफ माइन, दैट्स व्हाई आई डोंट कॉल हिम मिस्टर राघवन, ही इज़ राघवन टू मी माई ब्रदर। Like this and to our hospital also. Before this hospital could start walking, he flooded our pharmacy with medicines free of cost, and that is how we made a beginning. Thank you, ladies and gentlemen. इंशाल्लाह इन्हीं के सरपरस्ती में चलते रहेंगे हम। आइंदा भी